नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियों ने हमला साधा कि ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, समुदाय के लोगों को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है। जहां वोट डालने के पोलिंग बूथ के लिए वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, वहां पर कुछ ऐसे समुदाय के लोगों को रोका भी जा रहा है, कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के बुरखे भी उतारकर चेक किए जा रहे हैं। तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आई। नगीना सीट से इसकी शुरुआत हुई जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी बताई गई। उसके बाद देखने को मिला कि एक एक करके कई बड़े हमले चंद्रशेखर आजाद पर भी हुए। ये कहा गया कि नगीना सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो वही निर्दलीय चंद्रशेखर आजाद और फुरावण की बात करें तो वो भी नगीना सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। उस दौरान ईवीएम को लेकर क्या कुछ यहां पर होता हुआ नजर आया और उस वक्त चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। 70% में चंद्रशेखर आजाद, केतली और बाकी में सब। किसका मुकाबला मानते हैं आप? किसी से मुकाबला नहीं, सुबह तक मुकाबला लग रहा था लेकिन अब मुकाबला खत्म हो गया क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि वो परिवर्तन चाहती है। थोड़ी सी गुंडागर्दी के दिखाने का प्रयास किया कि वहीं हम जाके मौके पर खड़े हुए कि गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाए। गुंडागर्दी तो यहाँ के लोग साथ बहुत दिनों से हो रही, अब वो समय खत्म होने वाला है। अब जनता की सुनवाई होगी, जनता की चलेगी। क्या लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं? ईवीएम को लेके 20-22 बूथों पर शिकायतें थी, मैंने उसकी कंप्लेन बना के भेज दी है। एक शिकायत ही आ रही थी, बेल्लो जी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो बड़ी पर्ची लोगों तक नहीं पहुंची, छोटी पर्ची जो हमने दी उससे वोट नहीं डालने देते। उसके लिए मैं इसी खालसा इंटरवल पर स्पेशल आया, मुझे यहाँ शिकायत गई कि महिलाओं को रोका जा रहा। फिर मैं यहाँ आया तो अभी मैंने जिलाधिकारी से बात की और मैंने इससे कई अधिकारियों को लिख कर दिया कि भाई आप ये मत होने दो, आप समझाओ। ईवीएम का यही फायदा है ना कि आसानी से वोट हो रहा है, तो जब ईवीएम मशीनें खराब हो के घंटा लोग लगना पड़ेगा लाइन, फिर क्या फायदा ईवीएम का? तो बहुत अच्छा है, बस जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ चंद्रशेखर को जाना पड़ेगा। इसलिए जैसा कि चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना, आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ उत्तर प्रदेश की एक सीट पर सीमित नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद अब राजस्थान से लेकर बिहार तक चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करते हुए नजर आएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब बिहार की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक यहाँ पर किशनगंज बताई जा रही है तो दूसरी सीट यहाँ पर वाल्मीकि नगर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इन 2 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी का ऐलान जल्द करते हुए नजर आएंगे और बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि बिहार में आते हुए वो किसे टक्कर देते हुए नजर आएंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद और फ्रावण क्या महागठबंधन से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने हाथ मिलाया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हाथ मिलाया, तो क्या भीम आर्मी चीफ के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद महागठबंधन से हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं, और क्या NDA को एक तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में देते हुए दिखाई देंगे? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।